हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ कबीर। मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट नाउ। आईपीएल खत्म होने वाला है और ऑरेंज कप को लेके पूरे देश में लड़ाइयां चल रही है। भैया किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? भैया आपने तो ठप्पा मार दिया, किसको मिलेगा? मैंने अपनी एनिमल्स को बोल दिया कि इस पर ठप्पा मार दीजिए, क्योंकि इस खिलाड़ी को आप कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन इनसे भी एक खिलाड़ी और आगे है, यानी कि ऑरेंज कप की बात मैं करूँ, इस पर ऑरेंज कप जिसके पास है वो है ऋषभ पंत के पास, जिन्होंने 14 मैचों में 684 रन बनाए हैं। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं केन विलियमसन, और इन्होंने 14 मैच में 606 रन बनाए हैं जनाब, यानी कि 23 रन दूर हैं। और मैं अपने एडिडास को बोलूँगा कि जाके केन विलियमसन पर ठप्पा मार दीजिए, इस बार ऑरेंज कैप इनके होने वाली है। अब मैं आ जाता हूँ भैया पर्पल कैप जिसको मिलने वाली है। पर्पल कैप का जो खिलाड़ी है वो तो उसकी टीम हो चुकी है बाहर, यानी कि एंड्रू टाई ने लिए थे 14 मैचों में 24 विकेट, उमेश यादव ने 14 मैचों में 20 विकेट, हार्दिक पांड्या ने 13 मैचों में 18 विकेट। अब दो खिलाड़ी तो तीनों खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, तीनों की तीनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। और मैं अपने एडिडास को बोलूँगा जाके एंड्रू टाई पे मार दीजिए थप्पा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको किस खिलाड़ी का मानना है थप्पा। नमस्कार।